तो आप सभी जानते ही हैं कि बिग बॉस में हमेशा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। बता दें आपको कि यहाँ पर शेफाली जरीवाला और रश्मि देसाई के बीच भी छोटे मोटे झगड़े होते हुए देखे गए। इस सीजन में पहली बार कंटेस्टेंट खाने को लेकर एक दूसरे से जमकर लड़ाइयां करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी खाने को लेकर कंटेस्टेंट को काफी समझाया। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ हफ्तों से माहिरा शर्मा और शेफाली जरीवाला को खाना बनाने की ड्यूटी मिली है, लेकिन घर के बाकी सदस्य रश्मि देसाई, आसिम रियाज, मधुर मतुली, विशाल आदित्य सिंह को माहिरा के देर से खाना बनाने और बार बार जताने से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में वीकेंड के वॉर में खाने को लेकर माहिरा की तरफ से पारस ने काजोल और अजय देवगन के सामने कहा कि माहिरा इन फालतू लोगों के लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनके लिए खाना नहीं बनाएगी। ऐसे में रश्मि देसाई को पारस की इस बात का काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है कि वो अब खाना नहीं खाएंगी, उन्हें फ्रूट्स खाकर ही काम चलाना होगा, वो अपने लिए फ्रूट्स खाकर काम चला सकती हैं। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर रश्मि की इस बात पर शेफाली के पति पराग तिवारी उन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं चैनल से पूछना चाहता हूँ कि रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में क्या कर रही है। अगर वो घर का कोई काम नहीं कर सकती हैं तो चोट की वजह से टास्क भी नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें वापस घर क्यों नहीं भेज देते हैं। यहाँ पर पराग ने इतना ही नहीं और भी कुछ कहा है। रश्मि शो में सिर्फ असीम को भड़का रही हैं और उसकी वजह से असीम भी अपना गेम खराब कर रहा है। मेरी वाइफ शेफाली आज तक किचन में कभी नहीं गई और ना उसने कभी रोटी बनाई, लेकिन बिग बॉस में मैं देख रहा हूँ कि वो आटा भी गूंद रही है और रोटियां भी बना रही है। बिग बॉस के मेकर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि देवोलिना की तरह रश्मि को वापस घर क्यों नहीं भेज देते। रश्मि को अगर चोट लगी है तो घर जाओ ना। जी हाँ, पराग त्यागी ये भी कहते हैं कि माहिरा तो जवाब दे देती है, लेकिन शेफाली खाने को लेकर कभी भी किसी से नहीं लड़ती। लोगों के चिल्लाने के बावजूद वो चुपचाप खाना बनाती हैं। वो कौन होते हैं, बोलने वाले, किसने कितनी रोटी खाई और कितनी बनाई। ऐसे में पराग के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही बुरी तरीके से रश्मि पर भड़क उठे हैं। रश्मि जब खाना बनाती थी तो वो बहुत नेगेटिविटी के साथ बनाती थी। उसने सिद्धार्थ को जला हुआ पराठा खिलाया जिसके बाद वो बीमार पड़ गया। वेल, फिलहाल तो पराग त्यागी का ये कहना है। अब देखते हैं कि शो में आगे चलकर क्या ड्रामा देखने को मिलता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलता है। फिलहाल के लिए दर्शकों हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। प्रांशी की रिपोर्ट।